वैसे तो दोस्तों 4G फोन अभी बहुत से लोग हैं जो कि लेने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग समझदार है वो 4G की तरफ बढ़ सकते हैं, और जैसे मेरे को भी फोन लेना होगा कम दाम में तो मैं 4G की तरफ बढ़ूंगा, 5G की तरफ नहीं बढ़ूंगा। दोस्तों वैसे तो रेडमी नोट 11 की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि लॉन्च हुए भी आज से 6-7 महीना हो गया, बहुत से लोग इसको खरीदने के चाह रहे हैं, और दोस्तों लुक वगैरह में ये फोन काफ़ी हद तक अच्छा है और बहुत सारे फीचर भी इसकी अच्छी है। दोस्तों आज हम इसकी सारी अच्छाई और सारी बुराई आज के इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और आपको पूरी तरह से कंफर्म कर देंगे ये फोन आपको खरीदना चाहिए तो फिर नहीं। दोस्तों यदि हम किसी फोन को खरीदे और प्रोसेसर वगैरह का ना देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम फोन में बहुत कुछ करते हैं, गेमिंग वगैरह भी करते रहते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसमें दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 जो कि 6 NM पर बेस एक प्रोसेसर है, जो कि काफी हद तक गेमिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है प्राइस रेंज के हिसाब से, और ज्यादा आप इसमें हाई मैक्स तक गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल में तो बहुत ही अच्छा आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं 6 NM का प्रोसेसर होने की वजह से। दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा अच्छा ही आपके लिए साबित होगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में काफी हद तक इसने अच्छा काम किया है, इसमें दिया हुआ है 6.43 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, और जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दोस्तों मैं सभी कंपनी वालों को यही कहना चाहूंगा कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले जो कि काफी हद तक अच्छा रहता है, 120Hz रिफ्रेश रेट का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है लो बजट में, हाँ हाई बजट है तो आप ले सकते हैं। वैसे तो 90Hz रिफ्रेश रेट और AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि डिस्प्ले के मामले में मैं आपको कहूंगा कतई जहर वाला ये फोन होने वाला है AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से। हम किसी फोन को खरीदते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन रहता है चार्जिंग और बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों वो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है इस फोन में। इसमें दिया है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, साथ में दोस्तों 33 वाट का प्रो फास्ट चार्जर, जो कि कतई जहर वाला है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, 33 वाट का चार्जर, साथ में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी हुई है, जिससे कि दोस्तों आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं, और वैसे तो AMOLED डिस्प्ले है तो बैटरी बैकअप काफी हद तक देगा ही, तो दिन में अगर आप 2 बार चार्ज करते हैं और गेमिंग वगैरह करते हैं तो बड़ी आसानी से आपको दिन में 2 बार चार्ज करने से आते फोन को आप निकाल देंगे, और यदि 1 बार चार्ज करते हैं और नॉर्मल यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से 2-4 दिन भी आपका फोन चल जाएगा। AMOLED डिस्प्ले है जिसकी वजह से कि दोस्तों बहुत ही खुशी वाली बात मिली है देखते हुए। दोस्तों यदि हम कोई फ़ोन को ले और उसमें कैमरा ना देखे तो ये तो हो ही नहीं सकता, कैमरा मेन ही हमारा प्रेफर्ड रहता है, और दोस्तों हम कैमरा देख कर ही कोई फ़ोन ज़्यादा खरीदते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसमें चिपका दिया है 4-4 कैमरा, 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेट पिक्चर, और साथ में 2 MP का माइक्रो कैमरा, और दोस्तों सेल्फी में 13 MP का एक कैमरा लगा दिया है। और दोस्तों यकीन माने इसका सिर्फ एक ही कैमरा है 50 MP का, और आप उन 3 कैमरा और को ना जोड़े क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ 8 MP अल्ट्रा वाइड को आप ले सकते हो, 2 MP का तो बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं थी उसके, अगर टेलीफोटो देता तो मज़ा आ जाता। तो दोस्तों वैसे तो यदि आप कैमरा के लिए ले रहे हैं तो ये फोन आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, हाँ नॉर्मली में फोटो वगैरह खींच सकते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ हाई मैक्स तक आप इसमें फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं इस फोन में, क्लियरली मैं आपको एक बात बता दूँ। दोस्तों सिक्योरिटी के भी मामले में काफ़ी हद तक अच्छा है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगाया गया है और फेस अनलॉक तो दिया गया ही है। तो दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है जो कि ठीक ठाक ही काम कर देता है, फेस अनलॉक भी ठीक ठाक ही काम कर देता है, नाइट में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन दोस्तों डे में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली है फेस अनलॉक में। दोस्तों इसमें दिया है डॉल स्पीकर जो कि काफ़ी हद तक लाउड है, और दोस्तों साथ ही में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दे दिया है जो कि अच्छा बात है, यदि ऑडियो जैक ना देता तो मैं इसको बुरा मानता, लेकिन दोस्तों हेडफोन दे दिया है तो दोस्तों कतई जहर वाला है, बहुत ही अच्छा है ये फ्यूचर इसमें दिया है हेडफोन जैक, जो कि आजकल सभी कंपनियाँ निकाल रही है, तो वैसे तो हम देखते हैं मिड रेंज में तो हेडफोन जैक रहता है नहीं निकालता है, तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है इसमें। दोस्तों आउट ऑफ बॉक्स से आपको मिल जाएगा MIUI 13 पे, और साथ ही में दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन 11 जो कि अपग्रेडेड नहीं है, क्या पता अपडेट साथ बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों आपको यही इसमें मिलेगा। दोस्तों IP53 का रेटेड भी है जिससे कि दोस्तों थोड़ा बहुत पानी वगैरह का छीटा भी पड़ता है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, यदि आप बारिश वगैरह में भिगा देते तो फिर आपका फोन तो गया, तो नॉर्मली में यदि पानी वगैरह का छीटा पड़ जाए यदि ले जा रहे थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो इससे आपके फोन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे तो दोस्तों लुक वगैरह में काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है, और दोस्तों यदि आपका बजट कम है तो आप इसके फ़ोन की तरफ बढ़ सकते हैं, मैं क्लियर कहूँगा कि आप इस फोन को ले सकते हैं, और दोस्तों चलिए प्राइस की तरफ भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसका जो 464 वाला वर्जन है आपको पड़ेगा 11,999 रुपये में, साथ ही में दोस्तों 664 वाला आपको ये पड़ेगा 12,999 रुपये में, और दोस्तों 6128 वाला आपको पड़ेगा 14,499 रुपये, मतलब 6128 वाला भी आपका बड़े ही कम दाम में मिल जा रहा है 15,000 से भी नीचे। और दोस्तों वैसे तो फ्यूचर देखी जाए तो फ्यूचर इसके हिसाब से
काफ़ी होते तो अच्छा ही है। और दोस्तों ऑफर वगैरह में काफ़ी होते कि इसका प्राइस कम भी हो जाता है। तो दोस्तों ऑफर में लेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि दोस्तों आप लो बजट में एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं वो भी रेडमी के, तो दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ बढ़ सकते हैं। भले ही पुराना लॉन्च हुआ है लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, और कुछ इसमें बहुत कुछ अच्छा फीचर दिया है और लुक वगैरह में भी काफ़ी हद तक अच्छा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके भी बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी साथ हम इस वीडियो करेंगे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।